फिल्म देखी होगी सर आपने, हर्षद मेहता। तो वो ना कर्मचारी से पूछता है कि तुम हड़ताल पे कब जाओगे मुझे बता देना, फिर हड़ताल में कब लौट करेगी सर। देखो सर, इसके अंदर सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है अडानी पावर का। अगर ये काम अडानी पावर ग्रेट नोएडा आज इसकी न्यूज पर नहीं जाते, जाएंगे साइकोलॉजी पे। जब एक शेर आपको एक सवा साल तक एक प्रॉफिट आता है तभी निकालते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर आज अपने RVNL के शेयरों को अपर सर्किट में, कि हम जो है ना ऊपर खरीदे और नीचे जब शेयर आ जाए वो अच्छे शेयर हो, उसमें हमें लॉस आ रहा हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हम उस लॉस को हमें मिले, फिर इसके अंदर हमारे एक साल और जाएं तो समझ के चलो कि हमें एक साल और दे देंगे इसके अंदर। लेकिन इस बैंक को अपने हाथ से जाने, लोग कह रहे हैं सर अडानी पावर में आपने बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाई थी और आपने कहा था कि तीनों बड़े अध्यक्ष ने हमें एक दिशा दिखा दी कि एथेनॉल, CNG, हाइड्रोजन आने वाले दिनों में आपको कार चलाते हुए दिखाई। ना आँख होती है, ना दिमाग होता है, ना मुँह होता है, सिर्फ धड़ धड़ होता है। तो इसलिए इस साल बड़े धोखे होंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर ट्राइडेंट की, बात करेंगे टाटा स्टील की, और बात करेंगे सर यस बैंक, अडानी पावर और KBC ग्लोबल की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से FIs अपने माल को बेच रहे हैं और फिर उसके बाद वो ख़रीदारी करने के लिए भी तैयार ज़रूर होंगे, वो आने वाले दिनों में आपको मार्केट में तेज़ी के निरंतर आसार देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो बताया था कि ये साल जो है ना केतु का है, न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये साल जो है केतु का है। और केतु का ना आँख होती है, ना दिमाग होता है, ना मुंह होता है, सिर्फ धड़ धड़ होता है। तो इसलिए इस साल बड़े धोखे होंगे और इस साल बड़े चमत्कार भी होंगे। आपको देखने को भी मिल रहा है कि जनवरी से जब से मार्केट का नया सत्र शुरू हुआ है तब से आपको मार्केट एक पल में निगेटिव, एक पल में पॉजिटिव, दूसरे पल निगेटिव, फिर तीसरे पल आपको पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। ये निरंतर हो रहा है, डेली हो रहा है सर। और इसके अंदर अनुमान लगाना ना बिल्कुल भी गलत सा साबित हो रहा है। ये सब का सब जो है ना ये साल से होता है, जो ये न्यूमरोलॉजी होती है ना ये बड़ा इफेक्ट डालती है, इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए सर। तो ये साल जो है ना इस साल ही ऐसा रहने वाला है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट बुकिंग और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को संभालना और अपनी को मनी को बचाना ही इस साल चलेगा। कल आपके लिए RVNL में मैंने आपको दिशा निर्देश बता दिए थे, तो RVNL में आपको अच्छे संकेतों के साथ आज उजाले आते हुए दिखाई दिए। और बाकी जिन जिन की वीडियो बनाई उनमें आने वाले दिनों में आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिलेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, जिसके से भारत चाह रहा है कि 2070 तक वो जीरो कार्बन मुक्त हो जाए, इस तरीके से वो इलेक्ट्रिक वाहनों में ज़्यादा से ज़्यादा उतरता जा रहा है। यानी कि भी 2070 तो काफ़ी दिन है सर, कौन कौन उस टाइम बचेगा। लेकिन इसकी एक रूपरेखा सरकार ने बनाई है, लेकिन वहीं पर सुजुकी के अध्यक्ष ने कह दिया है कि पूर्णतया इलेक्ट्रिक कारों पे उतरना, अपनी दिशा निर्देश देखना ये भी बिल्कुल संभव नहीं है। इसके अंदर हमें CNG, हाइड्रोजन और हमें एथेनॉल से जो कारें चलेंगी, वाहन चलेंगे, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि इतने बड़े अध्यक्ष ने हमें एक दिशा दिखा दी कि एथेनॉल, CNG, हाइड्रोजन आने वाले दिनों में आपको कार चलाते हुए दिखाई देंगे, तो ये एक मजबूत कर रहा है। और यहाँ पर भारत जो है ना सबसे बड़ा दुनिया का वाहन विनिर्माण बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कार बनाई जाएगी। तो ये भी अच्छे संकेत हमारे सुजुकी के अध्यक्ष ने दे दिए। तो बड़े लोग बड़ी एनालाइज, तो समझकर चलना पड़ेगा कि एथेनॉल भी चलेगा, पेट्रोल भी चलेगा और इलेक्ट्रिक कारें भी चलेंगी। और पूर्णतया इलेक्ट्रिक कारों पे हमें अच्छी दिशा देखना भी नहीं चाहिए, ये कहना है सुजुकी के अध्यक्ष। इससे क्या दिशा मिल रही है, इससे ये दिशा मिले CNG का भी वक्त आएगा, एथेनॉल का भी वक्त आएगा, और हाइड्रोजन में भारत जिस तरीके से वर्क कर रहा है वो भी वक्त आएगा ही आएगा। एक सवाल, ट्राइडेंट में चाहे लाखों न्यूज निकल कर आ रही हो, उसका इफेक्ट ट्राइडेंट के शेयरों में आपको पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हो, उसके बाद भी शेयर आपको उसी दिशा पे लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं कि इसके अंदर हमें कब अपने शेयरों को एवरेज करना चाहिए, क्योंकि हमने इसकी तेज़ी में इस शेयर को काफ़ी ऊपर तक लिया है। देखो सर, कोई ये चाहता है कि हम जो है लॉस बुक करें, मार्केट में पल पल यही लोग चाहेंगे कि हम जो है ना ऊपर खरीदे और नीचे जब शेयर आ जाए वो अच्छे शेयर हो, उसमें हमें लॉस आ रहा हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हम उस लॉस को बुक कर लें। ऐसी मनसा, ऐसी कहानी जो है ऑपरेटर बना देते हैं, क्योंकि ऑपरेटर काफ़ी चलाक होते हैं। तो ट्राइडेंट शेयर को मैंने कभी भी खराब नहीं कहा, परंतु एक डेढ़ साल से कह रहा हूँ 30 से 31, 32, 33 में घूमेगा और एक साल से शेयर आपको 34, 31, 32, 33, 36 तक ही मिला है। अब इसके अंदर क्या दिशा दे रही है? देखो सर, आज इसकी न्यूज पर नहीं जाते, जाएंगे साइकोलॉजी पे। जब एक शेयर आपको 1.25 साल तक एक ही रेंज पर, यानी कि 1 से 5 और 5 से फिर 1 की रेंज में उछाल करके दिखाए, तो समझ जाना कि यहाँ पर हमारा एवरेज बनता है। अगर इस शेयर को और ज़्यादा नीचे जाना होता तो फिर ये आपको 20-10 रुपये मिलता, लेकिन इसने 1 से 1.25 साल यहाँ पर टिक गया, तो इसका मतलब यहाँ पर एवरेज अब हमारा बनता है। और किसी को एवरेज नहीं बता रहा, एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये शेयर आपको तेज़ी के संकेत दिखाएगा, लेकिन अगर इसने 28 को क्रॉस कर दिया फिर ये आपको 20 रुपये में शेयर मिलेगा। तो इंतज़ार कीजिए कि ये शेयर यहीं घूमता रहे और यहीं से इसके अंदर कुछ पॉजिटिव संकेत निकल कर आएंगे और एवरेज करने वाले मौके यहाँ बनते हैं। अचानक से हमने जो शेयरों को लिया और वो गिरता गिरता जाता रहे, उसको कभी भी एवरेज ना करो। जब वो एक जगह टहल जाए ना काफ़ी दिनों तक, तब उसमें एवरेज के मौके बनते हैं। तो आज की वीडियो को ट्राइडेंट को आपको एवरेज के साथ और आने वाले दिनों में उजाले के साथ देखना चाहिए, क्योंकि इसका जो काम है ना सर बोलता है, और काम जब इसका बोलता है तो शेयर प्राइस जब इतना नीचे है तो लाखों लोगों का सवाल है कि आप लॉस बुक करें। ऐसे शेयरों से लॉस बुक नहीं होता, क्योंकि कोई चाहता है कि हम यहाँ पर लॉस बुक करें। सर बात करेंगे टाटा स्टील की, और टाटा स्टील में फिर से टारगेट निकल कर आ रहे हैं। ICICI डायरेक्ट के कह रहे हैं कि 120 रुपये करीब के इसके टारगेट हैं और 117 रुपये करीब का इसका स्टॉप लॉस है। लोग इसके अंदर टारगेट देते रहेंगे, लेकिन मेरी जो मंशा इसके अंदर अपने प्रॉफिट की कमाने की है और कुछ शेयरों को अलग से भी रखने की है। जिस तरीके से मैं आपको हर बार कहता हूं कि आपको एक अलग से डीमैट अकाउंट भी खोलना चाहिए, उसके अंदर कुछ शेयरों को रखना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट खोलते हो तो मुझे उनके नाम के बारे में पता लग जाता है किन किन ने अकाउंट खोला है। तो एक अकाउंट और खोलिए, कुछ शेयर को इस तरीके से रखिए उन्हें कभी आपको देखने का मौका न मिले, जिस तरीके से मैंने IOC, इंडस टावर और 3-4 और अच्छे अच्छे शेयरों को रखा है। उसके अंदर हमें पता ही नहीं उसके अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि उसको हमने रखकर छोड़ा हुआ है, और बाकी जो है उसके अंदर से हम जब भी प्रॉफिट आता है तभी निकालते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर आज अपने RVNL के शेयरों को अपर सर्किट में निकाल दिया है। अब लोग कहेंगे आप तो पागल हो सर, आप तो ये बढ़ रहा है, कल कोई और ये जाएगा 150-200 रुपये में जाएगा, लेकिन उससे पहले वो कमाने के मौके भी तो हमें चाहिए। उसके लिए एक अलग डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर मैंने बेचा तो आपको नहीं बेचना, क्योंकि मैंने तो अडानी विल्मर को भी बेचा था ऊपर, लोगों ने तब भी मुझे कहा सर इसने तो अगले दिन भी अपर सर्किट मारा था, फिर अडानी विल्मर नीचे आ गया ना। तो सारी दिशा आपको बनानी चाहिए। एक न्यूज़ और निकल के टाटा स्टील में जो आ रही है, जो जता रही है कि अगर इनका मेगा मर्जर वाला प्लान जो अपनी साथ अपनी कंपनियों को मिला रहे हैं वो हो जाएगा जल्दी, इसकी भी खबरें आ रही हैं, अभी डेट नहीं आई। अगर ये जल्दी से इस तरीके का काम टाटा स्टील में हो जाए तो फिर ये आपको 150 के लेवल भी दिखा सकता है, क्योंकि अदर कंपनियों को अपने साथ मिलाएंगे। एक्शन जिस तरीके से होता है, फिर ये सारा का सारा रूपरेखा टाटा स्टील के द्वारा बनाई जाएगी, किसको खरीदना, किसको बेचना है, क्या लाना है, क्या करना है, तो ये एक ही मैनेजमेंट के अनुसार फिर ये सारा काम होगा। तो ये भी जल्दी से वर्क होने वाला है। तो टाटा स्टील यहाँ पर मजबूत कदम के साथ है, पर वो फॉर्मूला मत भूलना कि कुछ शेयर हमें प्रॉफिट और आधे शेयर रखने वाले भी चाहिए। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है अंजल वन का, तो वो आपको अपना एक अकाउंट खुलवा लेना चाहिए और इससे आपको अपनी प्रॉफिट को और बड़ा करना चाहिए, नहीं तो कभी भी प्रॉफिट नहीं आएगा, हम ऐसे ही लॉस लेकर बाहर होते जाएंगे। अब बात करेंगे KBC ग्लोबल की।
काफी मैसेज आ रहे हैं सर, ये तो इसने अपर सर्किट लगाना शुरू कर दिया। 2023 खत्म होने में अभी तो सर शुरू हुआ है 2023, और 2023 के लिए मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी। किन किन लोगों ने वो वीडियो मेरी केबीसी ग्लोबल में देखी है। मैंने कहा था कि जितनी भी इनकी परियोजना है 2027 तक उसको ये पूरी करेंगे। कब तक करेंगे? 2027 तक। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसके अंदर जो निकल कर आ रहा है ना, कि ये 2023 के अंत तक ये 75% अपनी परियोजना को पूरा कर देंगे। तो जब एक साल का वक्त इनको अपने परियोजना को पूरा करने में लग रहा है, तो यहाँ पर शेयर को तेजी के संकेत लाजमी दिखाने हैं। इस शेयर को आपको 10 से 15 20 रुपए तक के मानकर चलना है, क्योंकि ये उसी हिसाब से नीचे गिरा था तो ये उसी हिसाब से वहाँ तक जाने के लिए भी तैयार होगा। लेकिन मार्केट कैप इसका 197 रुपए करीब है, तो पल पल इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने वाले सिस्टम भी हमें बना लेना चाहिए। और इतनी जल्दी इसको बुलंदी पे हमें शेयर को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यही साल इसका इम्पोर्टेंट है। अगर इस साल इसने अपने वर्क को 75% पूरा किया तो ये शेयर आपको अच्छे संकेत दिखाएगा। अगर इसने अगले साल के लिए टाला तो फिर अगले साल तक बात जाएगी, फिर लास्ट तो 2027 है। तो कम शेयरों के साथ ऐसे पेन स्टॉक पर हमें बैठना है जो हमें उजाला इस साल दिखा सकता है। जिन्होंने वो वीडियो मेरी नहीं देखी जाकर सर देख लेना, मैं आपको बता दूं। अब बात करेंगे अडानी पावर की, और लोग कह रहे हैं सर अडानी पावर में आपने बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाई थी और आपने कहा था कि ये तेजी दिखाएगा। मैंने कहा था कि 15 जनवरी को जब ये डीबी पावर का अधिग्रहण करेंगे उसके बाद इसके अंदर तेजी के संकेत बनेंगे। लेकिन एक चीज जो इसको बहुत ज्यादा मजबूत करेगी वो निगेटिव की तरह आ रही है, यानी कि पॉजिटिव संकेत हमें निगेटिव की तरह आ रही है, जिसकी वजह से शेयर भी आपको 3-4 दिन से गिरता हुआ दिखाई दिया। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि यूपी में जिस तरीके से बिजली वितरण करते हैं वो सरकारी कंपनी करती है, यूपीपीसीएल है, जो वो सरकारी कंपनियां हैं ये बिजली वितरण यूपी में करती है, और यूपी काफ़ी बड़ा है, और यूपी में इस साल जो है ना यूनिट के रेट भी बढ़ेंगे। और काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा सर कौन कौन सी कंपनी जो निजी है यूपी में काम करेगी। सर देखो सर, इसके अंदर सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है अडानी पावर का। अगर ये काम अडानी पावर ग्रेट नोएडा, नोएडा और उत्तर प्रदेश में कर दे, तो कहीं ना कहीं आपको अडानी पावर फिर डीबी पावर की न्यूज़ से भी बढ़ते हुए कदमों के साथ मिलेगा। अडानी पावर की मंशा साम्राज्य बिछाने की है, समझ लो कि अडानी पावर की मंशा साम्राज्य बिछाने की है, और उस साम्राज्य बिछाने में थोड़ी रुकावट आ रही है। अब ये कौन सी रुकावट है कि जो नोएडा और ग्रेट नोएडा में, उत्तर प्रदेश में अडानी पावर को लाइसेंस लेने के लिए रुकावट पैदा कर रहा है? ध्यान रखना, जिस तरीके से AIPIF के अध्यक्ष मिस्टर शैलेंद्र दुबे ने कह दिया है कि अडानी पावर की सहायक कंपनी में उत्तर प्रदेश नोएडा और ग्रेट नोएडा में बिजली वितरण करने के लिए आवेदन जमा कराए हैं। ये सर कितनी बड़ी न्यूज है ये, कि बिजली वितरण करने के लिए अडानी पावर की सहायक कंपनी ने उत्तर प्रदेश में इस तरीके का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कि ये बिजली वितरण कर सके, तो उसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। इससे क्या है सर, कर्मचारी नाराज हो गए, और अध्यक्ष जो है हमारे शैलेंद्र दुबे जी ने साफ साफ कह दिया है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम किसी भी कंपनी को UPPCL में किसी निजी कंपनियों के द्वारा बिजली वितरण करने के बारे में नहीं सोच सकते, इसका हम कड़ा विरोध करेंगे। तो ये कारण है कि जिसने डीबी पावर की बेस्ट न्यूज को भी गिरते हुए बना दिया। लेकिन ये बता दूं मैं आपको, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है सर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिजली की यूनिट बढ़ेगी, फिर वहाँ पर अडानी पावर की बिजली वितरण करेगी, तो ये बहुत तगड़ा संकेत है। अगर ये लाइसेंस अडानी पावर को मिल जाएगा ना, ये सर बड़ा साम्राज्य बिछा रहा है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। शेयर जो हमारे पास है, कोई चाहता ही है कि इसे लॉस दिखाकर आपके हाथों से निकाले जाएं। ये ऐसी न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको समझना पड़ेगा सर। मिस्टर दुबे ने बताऊँ क्या कह दिया है, आपको एक बात और बताऊं कि 3-4 दिन पहले एक न्यूज और निकल कर आई थी कि महाराष्ट्र
पुणे और आपका नमी मुंबई और नागपुर में इसी तरीके से अडानी पावर ने ना बिजली वितरण करने के लिए तीन राज्यों में अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ के कर्मचारी 72 घंटे के लिए हड़ताल पर चले गए थे, तो वो भी कारण एक निजी बनाए अडानी पावर में गिरावट का। देखो सर, उस दिन ये न्यूज आई थी, शेयर गिरा था, आज ये कल ये न्यूज आई तो कल भी गिरा है, आज भी गिरा है, और एक पॉजिटिव न्यूज चल रही है डीबी पावर की। तो यहाँ पर क्या संकेत है कि अगर महाराष्ट्र में अडानी पावर को ऐसा लाइसेंस मिल जाए, फिर उत्तर प्रदेश में भी ऐसा लाइसेंस मिल जाए, तो कितनी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। लेकिन 72 घंटे का जो ये हड़ताल हुई ना, इससे उप मुख्यमंत्री कौन है देवेंद्र, और आश्वासन दिया कि वो कंपनियों को यानी सरकार को निजी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऊर्जा का कार्यभार किसके अंडर आता है, दे बैठक करी है और वहाँ पर फिर शांत किया है, तो वहाँ पर फिर ये 72 घंटे तक की तो हड़ताल हो चुकी है। एक फिल्म देखी होगी सर आपने, हर्षल मेहता, तो वो ना कर्मचारी से पूछता है कि तुम हड़ताल पे कब जाओगे मुझे बता देना, फिर हड़ताल में कब लौटोगे मुझे बता देना, शायद उसी फिल्म का है शायद। तो उसमें क्या होता, जब हड़ताल में जाता था शेयर गिर जाता था, जब वो हड़ताल से वापस आते थे भाई हमने हड़ताल नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर शेयर बढ़ जाता था, तो वो उन्होंने कॉन्टैक्ट कर रखा था। तो इस तरीके से भी मार्केट में शेयर प्राइस चलते हैं। तो दोनों न्यूज़ ना ये निगेटिव है, क्योंकि उन्होंने मना किया है, लेकिन शैलेंद्र दुबे अध्यक्ष जो है उन्होंने कहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी ऐसा आश्वासन दे दें कि ये निजीकरण नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अडानी पावर को ये लाइसेंस मिल जाएगा उसकी सहायक कंपनियों को। तो अगर ऐसा काम होता है, अगर होता है तो ये ना डीबी पावर आ गया इनके हिस्से में, फिर ये चीज़ें, बहुत सर इंतज़ार करो इस शेयर में, ये मजबूत करके जा रही है न्यूज इस शेयर में, अब हमें वेट करना पड़ेगा, 200 में भी आए ना इस शेयर में वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका साम्राज्य यूपी में बिछेगा, समझो इस चीज़ को कि अब निजी कंपनियां जो हैं बिजली वितरण करेंगी और अडानी पावर में खुल के नाम आ रहा है, तो ये क्या दिशा दिखा रहा है कि हो सकता है आगे जाकर लाइसेंस मिले, अप्लाई हो चुका है, तो अभी ये रुकावट आई है, इसके वजह से आपको शेयर गिरते हुए दिखाई दिया है। और जिस तरीके से फिर डीबी पावर का भी यहाँ पर कुछ होगा, तो वो भी आपको तेज़ी के संकेत दिखाएं, बल्कि तेज़ी के संकेत को रोका है इस दो न्यूज ने, जो निगेटिव तो है लेकिन हो जाए तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। अब बात करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक की बात इसलिए भी करेंगे कि 60 रुपये के टारगेट के बाद फिर शॉर्ट टर्म के टारगेट 28 रुपये के आए हैं, और मीडियम जो टारगेट इसके 36 रुपये करीब के आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन टारगेटों को हम लेंगे कैसे। एक बात मैं आपको बताऊं कि सर बार बार जो मार्च 2023 लॉकिंग पीरियड का फिर से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि दिग्गज जो यहाँ की कंपनियाँ हैं ना, बैंक कंपनियाँ कौन कौन सी हैं, IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक और आपका कोटक महिंद्रा बैंक और SBI, इन बैंकों ने यस बैंक को संभाला था जब उसके अंदर कुछ भी सब कुछ खत्म हो रहा था। लेकिन यहाँ पर यस बैंक अब प्रॉफिट दे रहा है, तो बड़े बड़े दिग्गज इसके अंदर अपने टारगेट ऊपर के दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब ये एक ऐसी रणनीति बनाई जाएगी कि जब गिरती हुई चीज को इन बैंकों ने संभाला, वो संभल गया, फिर उसने अपने सारे काम करने शुरू कर दिए बैंक ने, फिर प्रॉफिट भी लाकर दिखाएगा, और इसके अंदर अच्छे नंबर आने की इस बार जरूरत बन रही है, और उसके ऊपर सब अपने विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं कि इस बार रिजल्ट कैसा आएगा। फिर वो मार्च में जो काम होगा ना, फिर ये सारे बैंक हो सकता है हटे या ना हटे, लेकिन बैंक के प्रशांत कुमार जी ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि कोई उनके बैंकों से अपने स्टेक को हटाएगा जब लॉकिंग पीरियड खत्म होगा, उन्होंने इतने बड़े व्यक्ति ने कहा है। अगर बाई चांस मैं तो कहता हूँ हटा भी ले तो होगा कैसा, हटाने के बाद ये शेयर आपको हो सकता है 11, 12, 13, 14, 15 में मिले, फिर इसके अंदर हमारे एक साल और जाएं, तो समझ के चलो कि हमें एक साल और दे देंगे इसके अंदर, लेकिन इस बैंक को अपने हाथ से जाने नहीं देना जिस बैंक ने अपनी रणनीति को बहुत मजबूत किया। अब लोग कहते हैं कि सर हम इस बैंक में फंस गए, सर अगर ये आपको 22 रुपये में आपने लिया है, मान लो ये 11 रुपये में आ जाए, वहीं अटकता रहे और आपको लगता है मैं फंस गया, तो इसमें तगड़े पैसे लगा के इसे एवरेज करो, फिर एग्जिट कर लो अपने प्रॉफिट में ही,
तो एवरेज तो हम नीचे भी कर सकते हैं ना, कि अगर ये शेयर को हमने 22 में लिया, ये 10, 12, 13, 14 में आए तो वहाँ एवरेज करेंगे अगर हमें इस बैंक से निकलना है। तो फंसता कोई नहीं है सर, फंसने के हमें दिशा निर्देश दिखते हैं लेकिन हम फंसते नहीं अगर हम अपने माइंड से काम करें। तो टारगेट 60 का हो सकता है वहाँ पर जाए, काफ़ी सालों के बाद जाए, 28 में जाए काफ़ी दिनों के बाद जाए, 36 में जाए काफ़ी महीनों के बाद जाए। अब ये डिसाइड आपको करना है कि बैंक जब लॉकिंग पीरियड से निकलेगा तो वहाँ पर बैंक कमज़ोर होगा या हम कमज़ोर होंगे। बैंक कभी कमज़ोर नहीं होगा क्योंकि बैंक प्रॉफिट दे रहा है, और बैंक से अगर ऐसे स्टेक निकला तो सिर्फ शेयर प्राइस गिरेगा, और बैंक नहीं गिरेगा, शेयर प्राइस गिरेगा। और शेयर प्राइस गिरने से इसका मतलब ये नहीं कि बैंक में अंदर काम ही नहीं हो रहा है, काफ़ी दिग्गज कंपनियों में बेस्ट काम हो रहे हैं और शेयर प्राइस का अटका पड़ा है। तो ध्यान रखना, वो भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखकर चलना पड़ेगा, मार्क भी हमें झेलना पड़ेगा। उससे पहले तेजी के संकेत यस बैंक जरूर दिखाएगा क्योंकि उसका रिजल्ट भी आने वाला है। पूर्णतया अपने अनुसार शेयर मार्केट में निवेश करना सीखे क्योंकि कोई भी किसी भी शेयरों की गारंटी आपको नहीं देगा, बल्कि आपको एक दिशा निर्देश देगा, और उस दिशा निर्देश में आप चलते कैसे हैं, देखते कैसे हैं और उस दिशा निर्देश में रुकते कैसे हैं, ये सारी की सारी प्रक्रिया आपको खुद बनानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिंग जो है धैर्य का काम है, और उजाले जरूर आएंगे अगर आप निरंतर अच्छे से वर्क साइकोलॉजी पर करते गए हैं। तो सर यस बैंक यहाँ से मजबूत है, केबीसी ग्लोबल इस साल आपको मजबूती की तरह मिलेगा। अडानी पावर जिस तरीके से दो निगेटिव न्यूज आ रही है वो मुझे पॉजिटिव लग रही है अगर ये काम होता है, क्योंकि वो आगे तो बढ़ाया ना बिजली देने के लिए। इसी तरीके से आपको टाटा स्टील में टारगेट और मर्जर वाली जो न्यूज आ रही है, इससे भी ये तेजी के संकेत आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है, ये भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।